सावन कभी अकेले नहीं आता, झूलों की रवानी साथ लाता है, नदियों की जवानी साथ लाता है, जिसे सुनकर झूम उठे मन के बदरा, बचपन की कहानी साथ लाता है। नमस्कार, रंग तरंग के इस हरियाले अंक में मैं रजनी सेन आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। देर से ही सही हमारी धरती ने बूंदों के हार पहन लिए हैं, कुदरत हरियाली की चुनर ओढ़कर थिरकने को तैयार है, प्रकृति के कण कण से संगीत बरस रहा है। तो आइए आज हम भी रंग तरंग का आगाज करते हैं संगीत के साथ और लिए चलते हैं आपको हिंडोला तीज महोत्सव में। अच्छे कार्य का शुभारंभ अपने गुरुजनों को याद कर किया जाता है। हाल ही में दिल्ली में सावन और संगीत के जश्न का शुभारंभ हुआ, इसमें भी सबसे पहले कलाकारों ने अपने गुरुओं की वंदना की। सावन का महीना आते ही कुदरत के कण कण में संगीत गूंजने लगता है। हमारी लोक संस्कृति में संगीत और सावन की परंपरा बहुत गहरी और मधुर है और तीज का त्योहार इस परंपरा में चार चांद लगा देता है। बादल बरसते ही जैसे मोर अपने पंख फैलाकर थिरकने लगता है, हमारे मन के भीतर बैठा संगीत प्रेमी भी सावन की मनुहार सुनकर गा उठता है, थिरक उठता है। तीज का त्योहार सावन, संगीत और प्रेम के इन सभी मोतियों को जोड़कर हाल ही में एक सुर संध्या आयोजित हुई दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में, जहां लोक कलाकारों ने अपने सुरों से प्रकृति और प्रेम को एक ही धागे में बांध दिया। पंकज सखा ने इस कार्यक्रम में लोक संगीत का ऐसा रंग खोला कि बाहर मेघा बरस उठे और भीतर बैठे श्रोताओं के कानों में मिसरी घुलने लगी। और हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि बारिशें आएँ, घनघोर घटाएँ छाएँ, और उसी की तैयारी हम लोगों ने करी है। तो हम सावन को वेलकम कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से आए और चारों तरफ हरियाली कर दे और पानी से सब भर दे, सब तरफ खूबसूरती बिखेर दे। सावन का मौसम आते ही प्रकृति की सुंदरता अपने चरम पर होती है, साथ ही मेले, चौमासों और तीज त्योहारों का मौसम भी शुरू हो जाता है। Thank you.
सदी से अनुराग हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। तीज जैसे त्योहार हमेशा से ही कुदरत के साथ एक ताल करने में हमारी मदद करते हैं। लोक संगीत और सावन का महीना जब इन लोक कलाकारों के सुरों के जरिए फूटता है तो उसकी मधुरता कानों में रस खोल देती है। रंग तरंग डीडी न्यूज। बादलों और संगीत का रिश्ता बेहद पुराना है। हमारी संगीत संस्कृति में कई ऐसे महान गायक रहे जिन्होंने अपने सुरों की शिद्दत से बादलों को बरसा दिया तो कहीं दीपक जल उठे। दरअसल संगीत केवल दिल बहलाने का जरिया नहीं है, बल्कि इसके भीतर सेहत को दुरुस्त रखने के कई राज छिपे हैं। आज ऐसे ही कुछ राज हमारे साथ बांट रही हैं डेजी वरुण। डेजी इंटीग्रेटेड साउंड एंड एनर्जी हीलर हैं, जो म्यूजिक के जरिए लोगों का अवसाद दूर करती हैं। रूबरू होते हैं डेजी वरुण से। डेजी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर रंग तरंग हमारे कार्यक्रम में। म्यूज़िक बरसों से मानवीय गुण रहा है, हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है, कुदरत की हर शय में रहा है। सेहत से इसको कब जोड़कर देखा गया? अब तो ऐसी रिसर्च हैं जो मानती हैं कि अवसाद दूर होता है म्यूज़िक से। केवल अवसाद नहीं, इससे बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके रिसर्च ये बताती है कि न केवल अवसाद, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो जिन्हें हम मानसिक रोग की तरह जोड़ के देखते हैं, या याददाश्त से जोड़ के देखते हैं, या मनस्थिति से जोड़ के देखते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं उन पे संगीत का बहुत प्रभाव पड़ता है जी। अगर हमारी आप संस्कृति में देखें, कभी कभी आप कहीं भी निकलिए, ढोल बज रहा हो तो कैसा महसूस होता है? आपको लगता है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं सब कुछ छोड़ के खड़े हो जाएं और नाचने लगें। तो म्यूज़िक में जो म्यूज़िक बेसिकली, मैं क्योंकि साउंड पे काम करती हूँ तो मैं म्यूज़िक को भी साउंड की वाइब्रेशनली वहाँ तक ला के देखती हूँ, और मैं देखती हूँ कि कौन सी वाइब्रेशन आपको किस तरह से प्रभावित कर रही है। एक बांसुरी की वाइब्रेशन, एक ढोल की वाइब्रेशन, एक नगाड़े की वाइब्रेशन, एक हारमोनियम की वाइब्रेशन, एक सितार की वाइब्रेशन, एक वायलिन की, अगर आपने पुराने फिल्मी गीत सुने हों तो वायलिन का जो संगीत है थोड़ा गंभीर, थोड़ा गहरा, थोड़ा आत्मा में, रूह में दूर तक समा जाने वाला, और सितार की और संतूर की जो एक खनक है। सारे ही स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देखिए तीनों स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन जो आपको वायलिन से मिलेगा और जो आपको सितार या संतूर से मिलेगा, अगर आपने शिव कुमार शर्मा को सुना हो, जब वो संतूर बजाते हैं तो लगता है कि नदी कलकल कलकल बहती चली आ रही है। तो हर एक वाद्य यंत्र की, हर एक म्यूज़िक की, हर एक साउंड की जो अपनी वाइब्रेशनल क्वालिटी है वो आपको बहुत डिफरेंटली इम्पैक्ट करती है, और आप माइंडफुल हो जाइए। बस म्यूज़िक तो है आपके पास, थोड़ा माइंडफुल हो जाइए। हर संस्कृति में, हर धर्म में संगीत का महत्व है। हमारे यहाँ श्रुतियाँ, श्लोक जो हैं वो भी एक तरीके से एक रिदम पर आधारित होते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि ये जो श्लोक हैं और ये जो संस्कृति है वो अब विदेशों तक में पहुंच गई और वो भी इसे मानने लगे। चैंटिंग एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेक्निक है, और हम लोग घरों में जो सीखते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं कि कोई एक श्लोक, कोई एक मंत्र बच्चों को याद करा दिया जाता है। स्कूल में सबसे पॉपुलर है ओम भूर्भुवः स्वः सिखाना, लेकिन उसमें भूर्भुवः स्वः को किस लय में बोलना है वो उतनी परिपक्वता से नहीं सिखाया जाता है। जब हम थेरेपी की बात करते हैं तो हम हर चीज़ की बात करते हैं। ओम को आप कितने तरीकों से बोल सकते हैं? आपको अ पे ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहिए, उ पे ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहिए, म पे ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहिए? आप मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जी। आप सिर्फ की हमिंग कीजिए और दो उंगलियां यहाँ पे रखिए और दो उंगलियां यहाँ पे रखिए, माइक मैं आपके लिए पकड़ूंगी, और देखिए कि आपकी जो वाइब्रेशन यहाँ आती है वो यहाँ आती है कि नहीं आती है।
यहाँ तक आती है। बिल्कुल तभी हमारे बड़े बुजुर्ग जब कहते थे ना कि नाभि से बोलो, तो मतलब नाभि से कैसे बोला जाता है? नाभि से बोलने का तात्पर्य यह है कि जो वाइब्रेशन यहाँ से निकलती है वो यहाँ तक बजनी चाहिए आपके शरीर में, और यही वाइब्रेशन जब यहाँ तक भी बजती, जैसे नीचे की तरफ आपको वाइब्रेशन आ रही है, ये तो स्कल इतना भारी है कि आपको सुनाई आप हाथ से नहीं महसूस कर पाएंगे, लेकिन ये वाइब्रेशन अंदर आपके मस्तिष्क तक जा रही है। और ऐसा मानते हैं कि जो हमारी थर्ड आई है, जो हमारी पिट्यूटरी है, वो इस हमिंग से वाइब्रेट होती है और एक्टिवेट होती है। रागों की बात करें, राग भी जो हैं वो म्यूज़िक का आधार हैं। बहुत सारे लोग क्लासिकल म्यूज़िक नहीं सुनते हैं लेकिन हिंदी फिल्मी गीत सुनते हैं, वहाँ भी कई गीत रागों पर आधारित होते हैं। तो कैसे पता करें कि कौन सा गीत हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, जहाँ तक उसे सेहत से जोड़ने का सवाल है? प्रकृति प्रदत्त है ये आप में, आप नेचुरली ट्यून्ड हैं, है ना? आपको पता है कि किस समय आपको क्या म्यूज़िक अच्छा लग रहा है। तो क्लासिकली ट्रेंड, अगर आप किसी क्लासिकली ट्रेंड व्यक्ति को जानते हैं तो उनसे ज़रूर सीखें। अगर आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं तो ज़रूर पता करें। कुछ रागें जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिन पर हम कहते हैं कि किंवदंतियाँ बनी हुई हैं कि मल्हार गाने से मेघ आ जाते हैं, दीपक गाने से दीपक जल जाते हैं। तो रागों की जो क्वालिटी है वो तो हमारी परंपरा में शुरू से है, और ना सिर्फ यहाँ बल्कि अगर आप वेस्टर्न क्लासिकल में देखें, ओपेरा सिंगर्स के बारे में कभी आपने पढ़ा हो, तो वो लोग अपनी सबसे बड़ी सफलता मानते हैं कि जब वो अपने स्वर इतने ऊंचे उठा लें कि उनकी आवाज़ों से शैंडेलियर्स टूट जाएं, कांच तड़क जाएं, शीशे चटक जाएं, तो मतलब आपकी आवाज़ की वाइब्रेशनल क्वालिटी वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ वो उसकी रेजोनेंस से चीज़ें रिस्पॉन्ड करने लगें आपको। और क्लासिकल में भी बहुत सारे पुराने ऐसे गुरुजी लोगों की कहानियाँ मशहूर हैं कि वो गाते थे तो दीवारों में दरक पड़ जाती थी, वो गाते थे तो तबले फट जाते थे, वो गाते थे तो ये सारी चीज़ें जो हैं श्रुतियों की जो बात है, वाइब्रेशन की जो बात है, वो बार बार हमें ये कहती है कि ये आप पे असर कर रही है। अगर एक दीवार दरक सकती है तो फिर हम तो इंसान हैं। हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, सो वो बहुत सारी फाइब्रॉइड्स में, ट्यूमर्स में, अभी उस पर कैंसर्स पे, उस पर रिसर्च चल रही है, अभी बहुत पॉपुलर नहीं हुआ है हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, हाइफू बोलते हैं। वो सिर्फ साउंड, अल्ट्रासाउंड की इंटेंस फोकस्ड स्ट्राइक्स से आपके शरीर के अंदर जो जो सेल्स आपको हार्म कर रही हैं उनको डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं सिर्फ साउंड से। बहुत बहुत शुक्रिया डेजी जी हमसे बात करने के लिए, और संगीत को सेहत से जोड़कर हमें बताने के लिए कि संगीत हमारी सेहत का एक अहम हिस्सा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कला और संस्कृति की नदी नियमित अंतराल से बहती रहती है, चलती रहती है, लेकिन कहीं कहीं ठहरती भी है। तो यहाँ भी हम ठहर रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही आपके सामने हाजिर होते हैं। दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी, अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए, तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो, वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल, चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। तो संगीत के समंदर में कला के ऐसे ऐसे मोती छिपे हैं जिन तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब इस समंदर में हम गहरा डूबते जाएं, गहरा डूबते जाएं। और जब बात डूबने और उतरने की चल ही पड़ी है, तो बात करते हैं उस नदी की जो हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही। गंगा नदी हमारे जीवन का आधार रही है, हमारे संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा रही है।
आज वही गंगा नदी दम तोड़ रही है, गरहा रही है और हम उसकी पीड़ा समझ नहीं पा रहे हैं। पर कुछ ऐसे कलम के सिपाही हैं जिन्होंने गंगा की इस पीड़ा को न केवल खुद समझने की ठानी है बल्कि इसके लिए वो जन चेतना भी फैला रहे हैं अपनी किताबों के जरिए। आज पुस्तक विमर्श में बात करते हैं अभय मिश्र की किताब माटी मानुष चून की। कला और जन चेतना का नाता पुराना है। पानी की कहानी जीवन से भी पुरानी है और इसे सहेजा जाना बेहद जरूरी है। किताबों के जरिए जल संरक्षण की बात असरदार भी है और अनोखी भी। हिंदी साहित्य में अनुपम मिश्र की किताब आज भी खड़े हैं तालाब काफी लोकप्रिय रही। इसमें जल संवर्धन की प्राचीन परंपराओं और इससे जुड़ी जनजातियों और लोगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र जल संरक्षण के उन पुरोधाओं में से रहे जिन्होंने जमीनी स्तर पर इसके लिए काम किया और अपना सारा जीवन इसी मिशन को समर्पित कर दिया और इसी धरोहर को आगे बढ़ाने में लगे हैं कुछ और पर्यावरण प्रहरी जो कलम के सिपाही बनकर जल संरक्षण पर काम कर रहे हैं। अभय मिश्र लेखक और पर्यावरणविद हैं। नमामि गंगे योजना पर अभय ने काम किया है और इससे पहले अपने सहलेखक पंकज रामेंदु के साथ मिलकर दर दर गंगे किताब गंगा को समर्पित कर चुके हैं। उनकी नई किताब माटी मानुष चून गंगा की कहानी एक नए सिरे से कहती है। नारों और वादों के स्वर्ण युग में जितनी बातें गंगा को लेकर कही जा रही हैं, यदि वे सभी लागू हो जाएं तो क्या होगा। बस आज से 55 से 60 साल के बाद सरकार और समाज के गंगा को बुनने और गुनने की कथा है माटी मानुष चून। बटरफ्लाई इफेक्ट से तूफान लाने की आशंका जताने वाला विज्ञान इस बात पर कितना विचार कर पाता है कि जो गीला कचरा और सूखा कचरा या हरा डिब्बा या नीला डिब्बा हम छांटते हैं वो वास्तव में उस नीले डिब्बे का जो कचरा है वो अंततः कहाँ जाता है, उसके अंतिम गंतव्य पर बात नहीं होती। वो उसका अंतिम गंतव्य समुद्र है। कहते हैं कि जो कुछ भी शब्द हम बोलते हैं, जो हम बोल रहे हैं, ये कहीं जाता नहीं है, ये हमारी समझ से परे विचरता रहता है, निर्वात में कह लीजिए। ये कभी वापस आया तो क्या होगा, वो जो कचरा जो जा रहा है वो कभी वापस आया तो क्या होगा। अभय की पहली किताब दर दर गंगे उन्होंने पंकज रामेंदु के साथ मिलकर लिखी थी। माटी मानुष चून इसी परंपरा की अगली कड़ी नहीं बल्कि करी समझने की कोशिश है कि अगर आज हमने पर्यावरण के खतरों और दम तोड़ती नदियों के बारे में सोचना शुरू नहीं किया तो परिणाम बेहद भयावह हो सकते हैं। पाठकों और लेखकों को भी ये किताब बेहद पसंद आ रही है। साहित्य का काम केवल मनोरंजन करना ही नहीं बल्कि किसी भी समस्या और किसी भी विषय पर जन चेतना फैलाना भी है और किताबें ये काम बखूबी करती रही हैं और करती रहेंगी। माटी मानुष चून अभय मिश्र का एक ऐसा ही प्रयास है जिसमें जल संरक्षण पर बहुत बारीकी से बात की गई है, गंगा की कहानी को एक नए सिरे से कहने की कोशिश की गई है। कैमरामैन चिदानंद के साथ डीडी न्यूज के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। हुनर का दरिया बयाबा में भी अपनी राह बना लेता है। वो किसी ने कहा है ना कि हम चांद या सूरज तो नहीं जो ढल जाएंगे, बहती नदियाँ के धारे हैं बंजर को हरा बनाएंगे। मान लीजिए अगर हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही बंजर है तो कला वो रंग है जो उस बंजर को खूबसूरत उपवन में बदल देती है। हाल ही में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके की कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों ने अपनी कला को एक साथ एक ही मंच के नीचे पाया। आइए आपको इसी एग्जीबिशन में लिए चलते हैं। कला और कलाकारों की मेहनत को सामने लाना अपने आप में एक हुनर है। उचान आर्ट गैलरी की ओर से पिछले कुछ सालों से बेहतरीन कला प्रदर्शनियां आयोजित होती रही हैं। इसी कड़ी में तीसरे सालाना आर्ट महोत्सव में दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में आर्टिस्टाग्राम के नाम से एक कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ।
आर्टिस्टाग्राम बेहतरीन कलाकारों की कला का एक गुलदस्ता। इस प्रदर्शनी से जुड़े कलाकारों में कोई आईटी से है तो कोई पर्यावरण प्रेमी। कला से अपने प्रेम को ये कलाकार बेहद खूबसूरत रंग देकर सबके सामने लाने में कामयाब रहे। इस प्रदर्शनी में जहां अनीता मलिक के चित्रों में प्रकृति से प्रेम नजर आता है, वहीं सौमिक नाग अपनी कला के जरिए भूल चुकी परंपराओं के बारे में बात करते हुए अपनी जड़ों की ओर लौटने की कोशिश करते हैं। दीपक बजाज की पेंटिंग में ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश की गई है। राकेश कुमार मशीनों के जरिए एक नई दुनिया तक पहुंचने की कोशिश में है। कुल मिलाकर इस प्रदर्शनी में हर कलाकार अपने अंदाज में जिंदगी की कहानी कहता नजर आ रहा है। कलाकार अपनी कल्पना की कूची से हुनर के आसमान को जिस रंग में चाहे रंग सकता है और उसे सराहने वाला कला प्रेमी दर्शक उसमें अपनी जिंदगी की कहानी तलाशता है। यही तो कला का जादू है जो रचने वाले के हाथों से होते हुए पूरी दुनिया तक पहुंचता है। रंग तरंगी कला यात्रा में वक्त है एक बहुत छोटे से विराम का। जल्द हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसके मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं, आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना, उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो, पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। अपने होने के सबूत और निशान छोड़ती है कोई नदी, रास्ता यूं ही कहां छोड़ती है। हमारी संस्कृति की नदी भी अपनी समृद्धि के निशान छोड़ती जा रही है, जिनका पीछा करते हुए कई युवा अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। प्राची होता एक ऐसी ही ओडिसी क्लासिकल डांसर हैं जिन्होंने नृत्य की साधना के जरिए एक अलग मकाम बनाया है। आइए उनकी कला की झलकियां देखते हैं। नाट्य शास्त्र की देन ओडिसी नृत्य कला भारत की एक ऐसी सांस्कृतिक धरोहर है जो कला के गलियारों से निकलकर हमारे गौरवशाली अतीत का हिस्सा बन चुकी है। ओडिसी नृत्य जो कभी मंदिर के प्रांगणों में ईश स्तुति का माध्यम था, अब उसकी पहुंच जन जन तक हो रही है। कुछ ऐसे युवा कलाकार हैं जो अपनी साधना से इसे और रोचक बनाकर कला प्रेमियों तक पहुँचा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ओडिसी की प्रस्तुति हुई और इस कार्यक्रम की गरिमा बनी ओडिसी नृत्यांगना प्राची होता। बेहद खूबसूरत भाव भंगिमाओं, नृत्य मुद्राओं और इस नृत्य के प्रति उनके समर्पण को हर कला प्रेमी ने महसूस किया। प्राची कहती है कि भारत की संस्कृति को बचाए रखना हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। युवा नृत्यांगना ने इस नृत्य कला को केवल 3 साल की उम्र में ही सीखना शुरू कर दिया था। जिस उम्र में बच्चे खेलकूद और बेफिक्री के तमाम सपने देखते हैं, उस उम्र में प्राची ने न सिर्फ ओडिसी नृत्यांगना बनने का सपना देखा बल्कि उसको साकार करने की राह पर निकल पड़ी। मेरे परिवार का हिस्सा कला हमेशा से रहा है, तो वो एक था
एनवायरनमेंट में था। मैंने सीखना 3 साल की उम्र से शुरू किया था गुरु श्रीमती अर्पिता वेंकटेश से कोलकाता में। और मैं शायद खैर अभी ये तो नहीं कह सकती कि क्यों चुना, पर इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि मैं इसको कर इसलिए रही हूँ क्योंकि इट सेंटर्स मी साइकोलॉजिकली और इमोशनली। देखिए, मेरा उद्देश्य कलाकार के हिसाब से यही है कि मैं अपनी संस्कृति, अपने धरोहर को बचाए रखूं, मेरी जो जिम्मेदारी है अपने संस्कृति के तरफ उसको पूरा करूं। किसी भी समाज का सही विकास तब होता है जब आधुनिकता के साथ साथ उसकी परंपराएं भी जिंदा रहे। नृत्य संगीत की कला हमारे सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है और प्राची जैसे युवा कलाकार इसे पूरी शिद्दत, मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ा रही हैं। रंग तरंग, डीडी न्यूज। हाल ही में दिल्ली में एक मैंगो फेस्टिवल आयोजित हुआ जहां दर्शकों ने और आम प्रेमियों ने इस कला के नमूने को और फलों के राजा को खूब सराहा। आम के आम, गुठलियों के दाम, ये कहावत दिल्ली में आयोजित मैंगो फेस्टिवल में 100% सच साबित हुई है, जहां आम प्रेमियों को आम के रसीले स्वाद के साथ साथ सांस्कृतिक संध्या के रंग भी देखने को मिले। इस मैंगो फेस्टिवल में 250 से भी ज्यादा किस्म के आम लोगों के लिए थे। यहाँ आमों की इतनी वैरायटी है कि आप खाते खाते थक जाएंगे। चिल्ता खास, दशहरी, लंगड़ा, वनराज, चौसा दे, टपका, आम्रपाली, कुछ आम तो इस किस्म के थे कि उनका केवल आम होने का भ्रम हो रहा था। वहीं कुछ आम अपने अनोखे नामकरण के कारण चर्चा में रहे। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर आम आम नहीं खास हो गए। लोगों ने इस मैंगो फेस्टिवल का खूब लुत्फ उठाया। तो अगर आप भी इस मैंगो फेस्टिवल का मजा लेना चाहते हैं तो आम खाइए और बिना गुठलियां गिने फलों के राजा का स्वाद चखाइए। रंग तरंग, डीडी न्यूज। तो रंग तरंग में कला की ये परिक्रमा अगले हफ्ते भी जारी रहेगी। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे जीमेल के जरिए, हमें संदेश भेजिए rangtarangddnews@gmail.com पर। और सावन का महीना शिव की आराधना का महीना है, जहां बादल डमरू बजा रहे होते हैं और नदियां शंखनाद कर रही होती हैं, मानो पूरी ही सृष्टि शिव की आराधना कर रही होती है। कांवड़िए भी अपने भोले भाले शिव शंभु की आराधना करने के लिए निकल पड़ते हैं। आपको फिलहाल छोड़े जा रहे हैं कांवड़ियों के इसी विहंगम कांवड़िया यात्रा के दृश्यों के साथ। फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार।